फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे नए वीडियो में। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैंने नहा लिया है और पूजा भी मैंने कर लिया, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टीका भी लगा लिया है और अभी नाश्ता करने का समय हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नाश्ता है हमारा, रोटी और दो प्रकार की सब्जी है। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं हम नाश्ता करने के बाद। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ भाई के कॉलेज, उसका मार्कशीट लाना है, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं कॉलेज। तो फ्रेंड्स ये है हमारा गाड़ी, आप देख सकते हैं इसका कंडीशन तो एकदम तगड़ा है। तो अभी हम लोग इसी से जा रहे हैं कॉलेज, तो चलिए चलते हैं। कुछ स्पोर्ट्स चल रहा है क्या, कर क्या रहे यार? तो गाइस देख सकते हैं आप, हम कॉलेज आ चुके हैं, पीजी कॉलेज, और ये अपना पीजी ग्राउंड, यहाँ पास कुछ कार्यक्रम किया जा रहा है। तो चलिए कॉलेज के अंदर चलते हैं, इतने सारे लोग देख सकते हैं अभी आए हैं। गाइस देख सकते हैं आप, ये है पीजी कॉलेज का फ्रंट। और ये है पार्क। तो फ्रेंड्स हमें मिल चुका है मार्कशीट, कॉलेज आए थे हमें मार्कशीट मिल चुका है। तो फ्रेंड्स चलिए अब चलते हैं घर। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक हुआ था, उसका पुरस्कार वितरण किया जा रहा है। इतना भीड़ है आप देख सकते हैं, ये देखिए। और ये अपना एकदम मस्त बड़ा सा पीजी ग्राउंड, यहाँ पास हम लोग सुबह शाम वर्कआउट करने के लिए आते हैं। और यहाँ पास कोई भी कार्यक्रम होता है, बड़े से बड़ा कार्यक्रम वो यहीं होता है। जैसे कि हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी आए थे, योगी आदित्यनाथ आए थे, मोहन भागवत जी आए थे, तो मतलब जो भी महान इंसान है वो भाड़ में जाए। वो देखिए वहाँ पास हेलीपैड है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। और ये बहुत ही बड़ा ग्राउंड है गाइस, आप देख सकते हैं पूरा, आखिरी छोर दिखेगा नहीं, मेरा ब्रेक ही नहीं है, गाड़ी में ब्रेक नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी शाम के बज रहे हैं 4 और मैंने अपने भाई का कॉलेज से मार्कशीट लिया है। आपने देखा जैसे कि भाई भी गया था। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पूरा बादल किया हुआ है मौसम। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं अब नानी घर, वहीं चलते हैं, 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, पैदल चलते हैं वहीं पे। तो फ्रेंड्स अभी हम नानी घर जाने के लिए निकल चुके हैं, हम देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे बजरंग वाले, जय बजरंग वाले। तो फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं अपने नानी घर, देख सकते हैं कलयुग जा रहा है। कुंभकर्ण है,
कौन फोन करता है, उठता नहीं है। 7 बजे कहाँ, 7 बजे फोन किया था तू? तो फ्रेंड्स ने 7 बजे फोन किया था, मैं 8 बजे उठा था। दोबारा इसको 7:30 बजे भी फोन किया, तो 7-8 बजे नहीं तो मैं दोबारा किया था, शायद चल गया था। हमारा डॉग लियो तो फ्रेंड्स ये हमारा नानी घर है, देख सकते हैं वहाँ मामी है, छोटी मामी। और ये फ्रेंड्स है कोचिंग रूम, यहाँ पे पढ़ाई चलता है, अभी कोचिंग चलता होगा, आपको दिखाते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पे कोचिंग चल रहा है। और ये है हमारी छोटी बहन बबी, क्या नाम है आपका? हेलो बच्चों, स्वागत है। और इधर दो बच्चे हैं, दो बालक हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अपना नाम बता दो। क्या क्या नाम है? प्रांजल, प्रांजल और शुभम। देखिए पढ़ाई कर रहे हैं यहीं पर, तो फ्रेंड्स इन्हें पढ़ने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है बबी तुम पढ़ाओ, जाते हैं। ठीक है तो फ्रेंड्स चलते हैं अभी अंदर। तो फ्रेंड्स देखिए ये इस लड़के को देखिए, फ्रेंड्स इसको देखिए क्या कर रहा है। देखिए फ्रेंड्स ये देख रहा है टीवी, पढ़ाई लिखाई इसको करना नहीं है। क्या था स्कूल? गया था। झूठ बोलेगा? सच में गया था, फेयरवेल था। फेयरवेल था फ्रेंड्स, ये पढ़ाई लिखाई करता नहीं है, ऐसे बस बदमाशी करता है। तो फ्रेंड्स अभी मैं पी रहा हूँ चाय, बहुत बढ़िया है। तो फ्रेंड्स आपसे मिलते हैं चाय पीने के बाद। फ्रेंड्स मैं भी चाय पी लिया हूँ, और आप इधर देख सकते हैं यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर है उसको तो जानते हैं, यहाँ प्रियांशु है, और एक ये इसको जान रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम पांडे, ऊपर एटा भर अरुण पांडे। तो फ्रेंड्स ये जो अरुण है उसको हम छोटू बोलते हैं, और उसको तो आप पिछले वीडियो में देख ही चुके थे, सुधांशु पांडे है। ये संस्कृत का, ये संस्कृत का बहुत कुछ श्लोक जानता है। तो छोटू कोई श्लोक सुना दो, श्लोक क्या सुना, कोई बढ़िया श्लोक सुना दो संस्कृत का। आप बताएंगे, एक अक्षर बताइए, सुनाता हूँ कोई अच्छा। स्वस्ति न इंदु वाला सुना दे। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वाः, स्वस्ति न भोगा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमे, स्वस्ति न बृहस्पतिर् ददातु मृकदस्वामरुतः पृष्टिमातरः आवासागमन निर्वृद्धेभ्यो रक्षन्ताम् मा। फ्रेंड्स देख सकते हैं इतना अच्छा इसने बोला श्लोक। ये वैसे बनारस गया था, बनारस में इसने पढ़ाई की है, और अभी फिलहाल यहीं अंबिकापुर में आ गए, यहीं पर पढ़ाई कर रहा है। और तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कौन से क्लास में है छोटू तुम? मैं क्लास 9th में हूँ। ये क्लास 9th में है, और वो है क्लास 10th में, और ये भाई साहब कॉलेज में है। इन्हीं का मार्कशीट लेने के लिए गए थे हम। और चलिए आइए इनका, इन दोनों का टेस्ट लेते हैं, इन दोनों में कौन मतलब कौन कितना होशियार है। चलो दोनों बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। छोटू तुम दोनों से जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है? ठीक है तुम कैप निकल, कैप हटा दो आयुष। अरे बहुत बाहर, बहुत एकदम कोहरा गिर रहा है। कोहरा गिर रहा है बाहर? झूठ बोलोगे? सच में बाहर बाहर। तो छोटू बताएगा पहला, ठीक है? तुमसे पहला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल 27 राज्य हैं। तुम बताओ भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। तो एक पॉइंट मिल जाता है आयुष को, तुम 28 राज्य होते हैं। और भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल 3 शासित हैं। नहीं इनको नहीं मालूम, आयुष बताएगा। 7 या 8 है। 7 या 8 नहीं, 7 या 8 क्या है? 7 इनको नहीं, 8 है। आठ, आठ। और ये चुपके से बता रहा है 8 है। इनसे पूछ देंगे तो इनका भी हालत खराब हो जाएगा अभी। चलो बताओ उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी, देखिए बता रहा है ये, मत बता पिंटू। लखनऊ है। तुम लेकिन मेरे को इसका पता था, मैं लखनऊ ही बोला था। तो जल्दी से बोलना है, जो पहले बोल दिया उसका, ठीक है? वो जीत गया, ठीक है? बिहार की राजधानी क्या है? दोनों बता दिए, पहले मैं बता दी, मेरे को 3 मिलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी? मध्य प्रदेश भोपाल। भोपाल छोटू नहीं बता पा रहा है। और महाराष्ट्र की राजधानी? महाराष्ट्र की मुंबई। मुंबई है। आई तुम्हारा क्या होगा छोटू, ऐसे तुम करोगे तो ऐसे ही संस्कृत पढ़े हो, चलो ठीक है, पर जीके भी तो होना चाहिए।
जीके पढ़ना है, ठीक है? ठीक है छोटू भाई, ठीक है आयुष भाई, तुम्हारा ठीक है, पर थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहना है, ठीक है फ्रेंड्स? हम तो करते रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आज का। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।